नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर इस कड़ी में अगर बात लाडवा विधानसभा क्षेत्र की करें तो जब जजपा पार्टी की प्रत्याशी संतोष दहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। बुधवार को जजपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने उनके समर्थन में आकर वोट मांगे। इस बार युवाओं व जनता ने जजपा पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा मन बना लिया है। वह जहां भी जाती हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है। इस बार उनकी जीत निश्चित है। आज दुष्यंत चौटाला लाडवा हलके में आए थे और लोगों का उत्साह और जोश देखकर हमें ये विश्वास हो गया है कि लाडवा हलके की जनता ने ये सोच लिया है, प्रण ले लिया है कि दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाना है। लाडवा हलके में बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया, कोई नया स्कूल नहीं खोला, यहाँ पानी की निकासी नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। ये दुष्यंत एक ऐसा नेता है, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई दुष्यंत के साथ जुड़ना चाहे। बिल्कुल, अशोक तंवर जी कल आए थे और मैं भी खुद उनसे मिली थी। आशावादी हूँ तंवर भाई की कि उन्होंने यहाँ जिस तरह से मेरा समर्थन वो करके गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं जननायक जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करूंगा। अपील करती हूँ महिलाओं से कि एक एक मत जननायक जनता पार्टी के हक में डालकर 21 तारीख को चाबी का बटन दबाकर लाडवा हल्के की जनता मुझे आशीर्वाद दे। वहीं अगर बात नीलोखेड़ी हलके की करें तो धर्मपाल गोंदर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नीलोखेड़ी हलके के साथ हमेशा ही अनदेखी की गई है। क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए, यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र में विकास करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। भाजपा व अन्य पार्टियों की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी है, उनको पूरा विश्वास है कि हलके की जनता इस बार उनको सत्ता में जरूर उतारेगी। जो ये दिन प्रतिदिन जो जनता का हमारे साथ मोह बढ़ता जा रहा है, हम इनका स्वागत करते हैं। ये नीलोखेड़ी विधानसभा के जो जनता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये नहीं चाहते भी कोई भ्रष्टाचार नेता यहाँ पर बने। देखिए, जनता का जो भी रोष था, किस प्रकार जनता ने किसको नकारा ये किसको नहीं, ये मैं नहीं जानता। बाकी जनता का जो भी मुद्दे हैं, जो भी इनका काम है, ये हम जनता के बीच में जाकर तय करेंगे। उनकी जो समस्या है हम उनको इनके सहयोग से, इनको ही विधायक मानकर, मैं विधायक नहीं, ये जनता ही विधायक बनेगी, इनके माध्यम से जो काम होगा वो सुलझाया जाएगा। काफ़ी पार्टी के दल हमें हमारे को सहयोग देने के लिए कहा, मैंने कहा भाई ये जनता तय करेगी, और जनता किसी दल से, जब ये जनता का टिकट है, जनता की सभी पार्टी से दल से ऊपर है, तो ये सहयोग लेना नहीं चाहती मैं इनके साथ। इतनी जनता है, ये जीत के मेरा तो ख्याल है, ऐसा लग रहा है भाई ये हरियाणा में रिकॉर्ड होगा। नीलोखेड़ी की जो जीत होगी ना जी, ये हरियाणा में रिकॉर्ड होगा, इतने बहुमत से जीते। जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी काम होगा, मैं मेरे को MLA ना मानकर आप अपने आप को MLA समझेंगे, आप अपने आप को मंत्री समझेंगे, आप अपने आप को यहाँ के नेता समझोगे, मैं आपका सेवक हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर किसमें कितना दम प्रोग्राम के तहत चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम ने रादौर हलके का दौरा किया। इस कड़ी में भाजपा प्रत्याशी करणदेव कंबोज से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि वह एक दिन में दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। करणदेव कंबोज ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में अनेकों विकास कार्य करवाए हैं, इतने विकास कार्य आज तक किसी सरकार में नहीं हुए, बिना किसी भेदभाव के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हलके की जनता का उनको भारी समर्थन मिल रहा है, सत्ता में आने के बाद वह रादौर हलके में रुके विकास कार्यों को पूरा करवाएंगे। देखिए, ये चुनाव हरियाणा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 21 तारीख को वोट पड़नी है और मुझे अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अपने गृह क्षेत्र रादौर से प्रत्याशी बनाया है। मेरा तो केवल मात्र चेहरा है कि जाकर के एक बार हाजिरी लगानी है। ये कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर के, अलग अलग समाज में टोलियां बना करके, घर घर जाकर के अपने आप वोट मांग रहे हैं, तो इतना जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। जिस प्रकार से माहौल पूरे दौर के अंदर बना हुआ, निश्चित तौर पर हम यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं, और जो हौसला हमारे कार्यकर्ताओं में, जो दमखम के साथ हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहे हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, 15 तारीख को कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, उसकी 9 की 9 सीटों की एक रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे रादौर से, हमारे
जो है ना कार्यकर्ता साथी उसमें भाग लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनेंगे। पर 15 तारीख को भी बहुत बड़ा जनसैलाब जो है वो रदौर से जो है ना कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करेगा और अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।